लीमू का रस निकाल लिया है, तकरीबन ये 4 से 5 लीमू का रस है। साथ ही ले लिया लहसुन, ये ले लिया अदरक। अभी इन दोनों को मिक्स कर लेंगे, पीस लेंगे, ताकि इसको मैरिनेशन पे लगा सकें। उसके बाद आपको दिखाते हैं कि कौन से ड्राई मसाले हम इसके ऊपर लगा रहे हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह लाइट चली गई है। अब आपके साथ ही इतनी लाइट के अंदर ही वीडियो बनानी पड़ेगी। साथ आपको बताते जो चिकन हमने डिफ्रॉस्ट कर लिया है, साथ इसके ऊपर अब कांटे की मदद से हल्के हल्के सुराख कर लेंगे, ताकि मैरिनेशन इसमें जा सके। साथ ही स्किन वाला चिकन ले लिया। आप अगर चाहें तो स्किन के बगैर वाले चिकन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस चिकन का मज़ा स्किन के साथ ही आता है, ताकि टेंडर और जूसी बनता है। साथ अभी इसे सुराख करने के बाद इसके ऊपर लगा लेंगे अपनी मैरिनेशन जो हमने तैयार की है, अदरक लीमू और लहसुन। उसके बाद इसके ऊपर ड्राई स्पाइसेस हम करेंगे ऐड। अच्छी तरीके से इसमें सुराख कर लेने, ताकि ये अंदर तक इसके मैरिनेशन चली जाए। देखिए आपने ऐसे अच्छे कांटे से इसमें सुराख कर लेने, ये अच्छे तरीके से मैरिनेट हो जाए। साथ ही अब इसमें डालते हैं, ये हमने इसको कर लिया था ग्राइंड, लीमू है इसमें, लहसुन अदरक का पेस्ट बना लिया है, ताकि ये देखिए ना लिक्विड टाइप का आता है, इसको भी नहीं करना आपने, ताकि ये ठीक रहेगा। और इस तरह मैरिनेशन आपके मुंह में ये आपको लहसुन अदरक तंग नहीं करेगा, ब्लेंड हो जाएगा चिकन के साथ ही। ऑलिव ऑयल डालेंगे इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून सारा। साथ में इसमें डालेंगे काली मिर्च और ये वो पाउडर नहीं है, ये वो है जो खुद ही कुटी देती है। नॉट टू फॉरगेट नमक, वो भी हर जगह आएगा। साथ ही इसमें डाल देंगे थोड़ी सी बिल्कुल चिली सॉस, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फीका बनता है। विनेगर नहीं डालेंगे क्योंकि हमने लेमन से ज़्यादा यूज़ करी है, और बिल्कुल थोड़ा सा सोया सॉस। बाकी इसको मिक्स करके रख लेंगे, इसमें कोई ज़्यादा तेज मसाले नहीं लगाएंगे। बाकी अभी इसको जब मैरिनेशन में रख देंगे, तो बाद जब ओवन में रखेंगे, उसके बाद फिर आपको दिखाएंगे कि ओवन में रखने के बाद फिर किस तरह का बनता है। अंदर भी इसको मसाला लगा लेंगे और अच्छे तरीके से मसाज कर लेंगे, ताकि इसके स्किन के नीचे भी जाके चिकन में इसके मैरिनेशन लग जाए। ये देखो मैरिनेशन कंप्लीट हो गई है, अब इसको ओवरनाइट रख देंगे मैरिनेशन के लिए। बाकी अब आपको फिर सुबह आप ओवन में रखते हैं, ओवन प्रीहीट करके फिर आपको दिखाएंगे ये कितना का बनता है, कितनी देर में बनता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज बना रहे हैं ओवन में रोस्टेड चिकन, तो रात को मैरिनेट करके रख दिया था, अब इसको लगाने लगे हैं ओवन में, ओवन भी प्रीहीट पर रख दिया। अभी इसको करते हैं रोस्ट और फिर साथ आपको दिखाते हैं कि किस तरह का ये निकला। मैरिनेशन कंप्लीट हो गई है, अभी इसको चढ़ा देंगे ग्रिलिंग रॉड पे और फिर साथ आपको दिखाते हैं ओवन में लगाते हुए। मैरिनेशन कंप्लीट हो गई है, ये आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा है, इसके ऊपर सारी मैरिनेशन हो गई है, लहसुन अदरक के ऊपर उसको लग गया। अब इसको चढ़ाएंगे लास्ट को सीख पे चढ़ा लिया है, अब टाइम आ गया इसको दफन करने का, तो इसको दफन करते हैं फिर आपको दिखाते हैं साथ साथ।
रख दिया रोस्ट होने के लिए। ये अभी पैन नीचे से हीट था, उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा दिया, इसकी वजह से ये थोड़ा थोड़ा दौड़ना शुरू हो गया, पर इसका इशू कोई नहीं है। अब देखते हैं इसको लगाया 45 मिनट्स के लिए कुक होने के लिए, उसके बाद दिखाते हैं आपको कि क्या फाइनल इसके निकलती है लुक। 45 मिनट्स गुजर गए हैं इसको बेक होते हुए, अब आपको दिखाते हैं इसकी हालत 45 मिनट्स के बाद। ये चेक करें कितना प्यारा सा कलर आ गया, लेकिन अभी फ़िलहाल ग्रिल करेंगे इसको थोड़ा सा ऊपर वाली ग्रिल ऑन करके ताकि इस पर गोल्डन शेड आ जाए। अभी तो ये सारा इसका अदरक और लहसुन का शेड है ब्राउनिश, लेकिन हम इसकी थोड़ी सी स्किन को पकाएंगे ताकि वो मज़े सा अच्छा सा टेस्ट आ सके। देखिए किस तरह सिजल कर रही है प्लेट, इतना कमाल लग रहा है, मुँह में पानी आ रहा है देख के, बस वेट नहीं हो रहा कि इसको निकाल कर आ जाए। What is Mamu making? What is Oven saying? वो लड़के नहीं है करे, वो फ्रोज कट कर रहे हैं। पूरी गाड़ी है, पूरी गाड़ी आ रही है, पूरी गाड़ी आ रही है, वो अड़ी कर दो। अगर कि तो उसे सड़ी है, उसे गाड़ी काट है, उसे सड़ी है, वो तारी को। ये देखें जी फाइनल लुक, माशाल्लाह कितना प्यारा सा गोल्डन सा रंग आ गया, अरे प्रॉपरली कुक हो गया सारा। अभी इसकी प्लेटिंग करते हैं, साथ कर आपको दिखाते हैं, ये चेक करें पूरा प्रॉपर गोल्डन ब्राउन शेड आया है पूरा पका कर। और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और आप लोग ये रेसिपी की घर में ज़रूर ट्राई करें। अब इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं, इसको रोड के ऊपर से उतार लेंगे। अभी काटते हैं फिर आपको दिखाते हैं किस तरह का बनाइए। देखिए प्रॉपरली कुक हो गया सारा, ये टेंडर है इस वजह से इसकी डी आकुपिंग नज़र आ रही होगी, लेकिन ये प्रॉपरली कुक है। आप लोग पूरा देखते हैं, अभी आपको ये काट के दिखाते हैं। ये देखें कितना आसानी से उतर गया और ये कितना टेंडर है। ओह भाई बहुत अच्छा बना, और भी जरूर ट्राई करें। अब इसके बाद खाएंगे पेरी पेरी सॉस के साथ,